हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी की ये क्वेरीज है कि आर्मी एमईएस की जो अपडेट आई थी, नोटिफिकेशन आई थी, उसकी न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 जुलाई को आपको यहाँ नोटिफाई कर दिया गया था सरकार की तरफ से कि इतना इतना पोस्ट खाली रखा गया है आपको एमईएस के अंदर। वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट अभी वेकेंट सीट्स है। तो ये डिसाइड किया गया था कि 1 वीक के अंदर अंदर, यानी कि हार्डली सितंबर तक ये वैकेंसी आउट हो जाती, फॉर्म ऑनलाइन हो जाता, बट किसी रीजन से डीले हो रहा है। तो हम लोग उस डीले को ध्यान नहीं देंगे, जो सीट्स है ना उसको हम लोग ध्यान देंगे कि अब जैसे कि एग्जाम आ गया, कोई फॉर्म आया, जस्ट एग्जाम हो जाता है, तो अगर उस ढंग से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा पहले बताने का मोटिव ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपनी तैयारी की स्पीड को अच्छे से कंटिन्यू रखो, बूस्ट करो, ताकि आप अपनी एक सीट अचीव कर पाओ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल वे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एकदम फटाफट से। तो चलिए, जैसा कि आपको बताया, आर्मी एमईएस में वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओवरऑल पोस्ट की अगर बात करूं, 41,822 सीट्स पर यह वैकेंसी आएगी, ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका एज का लिमिट रहने वाला है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को मिलता है 3 इयर्स का, एससी एसटी को मिलेगा 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। फॉर्म की जो फी रहती है फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज लिया जाएगा, एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट से कोई सी भी चार्जेस नहीं ली जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या गई थी परसेंटेज वाइज। जनरल और ईडब्ल्यूएस का था 50% एंड ओबीसी एससी एसटी का था 40% आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है इसके लिए। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, देन होगा आपका फिजिकल या स्किल टेस्ट, दोनों में से कोई एक होगा, वो आपके पोस्ट वाइज ना वेरी करता है। देन होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली आपका मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो सिलेक्शन के स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना, किस पोस्ट पे कितना सीट है और क्या क्वालिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना एक सीट अचीव करना चाहते हो इस वैकेंसी के अंदर, तो कैसे आप अपनी बेहतर तैयारी करोगे, इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से न्यू बुक, इंडियन आर्मी एमईएस के लिए ये बेस्ट बुक रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है 2850 प्लस वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल सहित, और ये आपको एज पर न्यू पैटर्न, मतलब न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ बताया गया है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज ना जो एग्जाम रेलेवेंट चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ ना डिस्क्रिप्टिव वे यानी व्याख्यात्मक हल के साथ दिया हुआ है। और आप लोग देखो बुक में कितना अच्छा से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हो तो मिल जाएगा आपके नियर बाई बुक स्टोर्स पे, तो आप जाके अपने नजदीकी किताब दुकान से इसको खरीद सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी आई है, क्या सीट्स रखी गई है। सबसे फर्स्ट पोस्ट है आपकी मेट की, जिसमें आपको 27,930 सीट्स है, 10th पास इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एमटीएस के लिए 11,316 सीट है, 10th पास इसकी भी रिक्वायरमेंट है। स्टोर कीपर के लिए 1,026 सीट है, जिसमें 10th या 12th प्लस आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ड्राउट्समैन के लिए 944 सीट्स है, और यहाँ पर आपको 12th का यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। सुपरवाइजर, बैरक एंड स्टोर, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, आर्किटेक्ट ग्रेड ए, इन तीनों के लिए ना हायर क्वालिफिकेशन की डिमांड है, मतलब एमए, बीटेक या डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो वो जब आपका आ जाएगा ना फॉर्म, उस टाइम क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले सीट्स देख लेते हैं। सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर का 534 सीट्स है, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर के लिए 120 सीट्स है, आर्किटेक्ट ग्रेड ए के लिए 44 सीट्स यहाँ पर रखी गई है।
तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट एग्जाम होगा। तो पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का। निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा 0.25 का। तो चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहने वाला है। फर्स्ट आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको 25 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल यही आपका एग्जाम पैटर्न होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, समय 2 घंटा का और निगेटिव मार्किंग 0.25 का। आगे होता है आपका फिजिकल। तो चलिए हम लोग फिजिकल की क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो फिजिकल होगा उसमें फर्स्ट आपका हाइट का मेजरमेंट होगा। मेल कैंडिडेट नॉर्थ इंडियन के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अदर्स के लिए 170 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए नॉर्थ इंडियन फीमेल्स का मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर, अदर्स का 157 सेंटीमीटर। रनिंग भी रहेगी 5 किलोमीटर की रहेगी रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए, 24 मिनट्स में उनको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए ये रनिंग 1600 मीटर की होती है जो कि 8 मिनट के अंडर अंडर उनको कंप्लीट करना होता है। तो इसके बाद आपका फिजिकल होता है। अदर पोस्ट के लिए आपको जो मतलब बहुत सारे पोस्ट है तो इसके लिए आपको फिजिकल नहीं होता है। बहुत सारे के लिए जैसे इसका टाइपिंग है तो स्किल टेस्ट होगा आपका, वो ना पोस्ट वाइज आपका वैरी करेगा। उसके बाद डीवी होगा, आपकी मेडिकल होगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टिंग कहाँ होगा, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में रहेगी और जो सैलरी मिलेगा पोस्टिंग के बाद वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सैलरी आपको मिलती है 56,100 टू 1,77,500। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बम्पर नंबर की सीट है जिसमें से सिर्फ एक सीट आपको अपने लिए अचीव करना है। तो अपनी तैयारी की स्पीड को आप अच्छी रखो ताकि जब कभी भी फॉर्म आता है, और बहुत जल्द ही ये फॉर्म हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन आया, किसी रीजन से डिले हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि सरकारी कोई भी काम में थोड़ा बहुत देर हो जाता है, तो आपको मायूस नहीं होना, तैयारी आप करते रहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर देना, और अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो आप। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे भी फॉलो कर लो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को पॉल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।